राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गुणात्मक संचालन सीमांत क्षेत्र मुंशारी में संपन्न हुआ। संघ के द्वारा पूरे प्रदेश में हर जिला स्तर पर गुणात्मक संचालन करने का कार्यक्रम तय किया गया है। मुंशारी में संपन्न हुए कार्यक्रम में 84 स्वयं सेवकों ने प्रतिभाग किया। मुख्य वक्ता पिथौरागढ़ के विभाग प्रचारक विकास ने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। संघ के द्वारा देश को वैभव संपन्न तथा समृद्धशाली बनाने के लिए विभिन्न उपकरणों के माध्यम से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने स्वयं सेवकों से नियमित 1 घंटा शाखा में जाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में संघ के जिला प्रचारक दीपक, विभाग शारीरिक प्रमुख नवीन चंद्र शर्मा, जिला कार्यवाहक तिलक राज, जिला बौद्धिक प्रमुख बंशीधर सहित जिले के अधिकांश स्वयं सेवक उपस्थित रहे। भाई साहब, आज ये सीमांत तहसील मुंशियारी में जो RSS डीडीहाट का एक कार्यक्रम है, इसमें क्या क्या कार्यक्रम है जरा विस्तार से बताइए। ये अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तराखंड प्रांत का हिलवेज कंपनी के डंपर चालकों की मनमानी के खिलाफ आज हाटगांव के ग्रामीणों ने डंपरों को हाटगांव में रोक दिया। बता दें कि डंपरों के द्वारा 25 टन से ज्यादा माल दोहन करके बिन्या गांव की तरफ ले जा रहा है। जो माल सड़क के कार्य में लगना है, परंतु डंपरों में डाले नहीं लगे, जिससे कि माल लगातार धरती पर गिरता जा रहा है और सड़कें अवरुद्ध हो रही हैं। कई मोटरसाइकिल सवार इसमें रपट चुके हैं, जिनको चोट लग चुकी है। पूर्व में अभी एक दिन पहले ही एक व्यक्ति को भी इस डंपर से चोट लगी थी, परंतु कहीं ना कहीं हिलवेज कंपनी के द्वारा मनमानी की जा रही है, यह आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं। और हिलवेज कंपनी के जो भी यहाँ पर क्षेत्रीय अधिकारी हैं, उनके द्वारा फोन न उठाने की बात भी कही गई, परंतु बाद में एक कर्मचारी को भेजा गया, जिसने लिखित रूप से दिया कि 10 दिन के भीतर हम डंपरों में डाले लगा देंगे और धूल को बचाने के लिए पानी का प्रयोग भी करेंगे। अब देखना है कि क्या हिलवेज कंपनी अपने कथन पर टिकती है या ग्रामीण फिर बड़ा आंदोलन करते हैं। बहुत टाइम से ये इशू आया था कि हिलवेज के ट्रक ओवर स्पीडिंग चल रहे थे, जिनमें ना ही नंबर प्लेट ना ही कुछ है, और हमेशा ओवरलोड होकर चलता है। जब हमेशा कहा गया है इनके अधिकारी उच्च अधिकारियों को कि आप अपने डाले सही करवाइए और पानी का छिड़काव करिए, लेकिन चीज़ें वही लास्ट में वही हो जाती हैं कि इनको जब अधिकारी की अच्छी चलती है तो शायद ये नहीं हो पा रहा है, तो ये नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल किसी की सुनते नहीं है। लाइक मल्टीपल टाइम्स हमने चीज़ें कही हैं इनके बॉस को, इनके PM को, लेकिन एंड ऑफ द चीज़ें वही हो जाती हैं। ऐसी थी, हम तो बहुत टाइम से रोक रहे थे हिलवेज की गाड़ियों को, और कई बार रोका हुआ है, कई बार ड्राइवर से बोला हुआ है कि भैया पानी डालो, डालो को संभालो, आपका जितना भी मलवा आ रहा है वो रोड में गिर रहा है, कभी डामर गिर रहा है, कभी इनके कंकड़ गिर रहे हैं उसमें, उसको बार बार हम सफाई कर रहे हैं। और इनके स्पीड इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम इनको कितने बार बोल चुके हैं कि स्पीड में थोड़ा कंट्रोल करो, गाँव वाले आबादी वाले क्षेत्रों में ये स्पीड में जा रहे हैं बिना हॉर्न के, बिना नंबर प्लेटों के, किसको रोक भी लेंगे तो किसको रोकेंगे ये नहीं पता है, और इनको बोल बोल के हम थक चुके हैं, इसलिए आज हमने इनकी गाड़ियां रोकी हुई थी। और गाड़ियां रोक के इनके उच्च अधिकारियों से हमने बात की, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10 दिन के भीतर ये सब करके देंगे। ये ग्रामीणों ने जो हमारे कार्य को नाले उन्होंने और पिथौरागढ़ वन प्रभाग के टकाड़ी में आग बुझाने में सहयोग करती महिलाएं। महिलाएं न केवल वनों में लगी आग बुझाने में सहयोग कर रही हैं, बल्कि लोगों को जागरूक करने में भी वन विभाग का पूरा साथ दे रही हैं। पिथौरागढ़ वन प्रभाग के टकाड़ी में आग बुझाने में सभी महिलाएं लगी हैं। पिथौरागढ़ वन प्रभाग के टकाड़ी में आग बुझाने में सहयोग करती महिलाएं, ये महिलाएं न केवल वनों में लगी आग बुझाने में सहयोग करती हैं, बल्कि लोगों को जागरूक करने में भी वन विभाग का पूरा साथ देती हैं। साथ ही अपने नाप खेतों में संगठित होकर पराली को जला रहे हैं। बीते दिनों में वन पंचायत में बने रास्तों में पिरूल की सफाई हो या फिर आग लगने पर कंट्रोल करने के लिए फायर लाइन बनाने का काम हो, ये महिलाएं हर जगह वन विभाग को सहयोग कर रही हैं। राज्य में हो रही वन अग्नि घटनाओं को लेकर भी इन महिलाओं की चिंता गहरी है। टकाड़ी की महिलाएं सब एकजुट होके जंगल में पहले लकड़ी सब झाड़ी काटते हैं, उसके बाद सब एकजुट होके सारा गांव आके जंगल में आग लगाते हैं, आग को इधर उधर फैलने नहीं देते हैं। पौधे जितने भी हैं सब हमने बचा के रखे हैं। पहले तो हमारे यहाँ जो नाप खेत है, जिन पे हम जो झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं
इनको जला रहे हैं, इसमें कोई जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है और सब लोग गाँव वाले इकट्ठा हो गए। हम लोग जो जंगल को नुकसान भी नहीं पहुँचे इसलिए वो भी काम करते हैं, पूरे गाँव वाले इकट्ठा हो गए, आग भी जला रहे और उसको वो भी बंद भी करते। तवाघाट के समीप हुई अल्टो दुर्घटना में जिसमें एक दुल्हन की मृत्यु हो गई थी, या यूं कहें नई नवेली दुल्हन थी, दुनकोने से वापस आ रही थी गाड़ी, अल्टो खाई में समा गई जिसमें 5 लोग सवार थे, 4 लोग घायल बच गए। परंतु प्रशासन पर और पुलिस पर बड़े आरोप लगे हैं। जहां पुलिस का कहना है कि हमने रेस्क्यू किया, वहीं स्थानीय नागरिक ने कहा है कि पुलिस और प्रशासन केवल अपनी ही जुट में लगे थे। पांगला पुलिस कह रही थी कि हमारा क्षेत्र नहीं है और धारचूला पुलिस वहां पहुंची नहीं थी। कहीं ना कहीं रेस्क्यू अभियान में ना एसडीआरएफ दिखाई दी, नहीं प्रशासन के कोई नुमाइंदे, यह आरोप स्थानीय ग्रामीण ने लगाए हैं। क्यों चले गए कहा तो उन्होंने कहा कि हमारा क्षेत्र नहीं पड़ता, ये धारचूला क्षेत्र का एरिया है और वो लोग इसलिए जो है हमें कहा दरोगा धारचूला में मिलेगा, वहाँ हॉस्पिटल में मिलेगा कहा, लेकिन हॉस्पिटल में हमें कोई नहीं मिला। एक खाली गार्ड बेचारा था जो गेट की चौकीदारी करता, न कि वो लाश रखी उसमें वो था। वो किसने कहा था आपसे कि पुलिस वाले ने कहा था वहाँ पे थाने पांगला पुलिस के थाने। ये कहना चाहते हैं कि शासन प्रशासन की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं मिली। जब हम वहाँ पे डेड बॉडी उठाने के लिए पहुँचे तो न 108 आई, न एसडीआरएफ की टीम आई, न ही कोई शासन प्रशासन हमारे साथ था। हम प्राइवेट गाड़ी लेकर के अपनी क्या कहते हैं डेड बॉडी यहाँ लेकर के आए हैं। शायद हम तो रेस्क्यू अभियान चलाने के बाद आए सर, जो हमारे घायल थे उनको पहले जो साथ में थे उनको उठा करके ले आए, बाकी लोग हम बाद में पहुंचे, हम तो गांव से आए बाद में पहुंचे हम, लेकिन जिस समय हम पहुंचे वहां पे डेड बॉडी के साथ कोई नहीं था, एक क्या कहते हैं एक दो ग्रीफ वाले और एक हमारे गांव का बंदा पवन सिंह कुंवर था वहां पे, और बाकी कोई नहीं था। पुलिस नहीं था, बाद में आए वो जब उठाने के लिए, वो भी कह रहे हैं यार डेड बॉडी उठा लो, हमें तो वहाँ गुंजी जाना है, काला पानी जाना है, पता नहीं कहाँ जाना है, होता रहा ये तो हमें भी वो नहीं है। मेरा नाम कैलाश सिंह धामी। सांसद अजय टमटा ने धारचूला से गुंजी वाइब्रेंट विलेज की तरफ जाते हुए प्रधानमंत्री को आभार व्यक्त किया कि उन्होंने 4200 करोड़ की सौगात धारचूला के गुंजी को दी है। उन्होंने कहा कि मेरा लोकसभा का क्षेत्र है और इस क्षेत्र की तरक्की हमारे पूरे देश की तरक्की है। उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज के रूप में सारे गांवों को जिस तरह से प्रधानमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं उसी को देखने के लिए हम जा रहे हैं कि क्या क्या विकास कार्य उस क्षेत्र में हो सकते हैं, और स्थानीय स्तर पर भी लोगों से हम वार्ता करेंगे क्योंकि ये मेरे लोकसभा क्षेत्र का एक अंग है और अब यह अंतिम गांव नहीं है, अब यह पहला गांव कहा जाएगा। गुंजी को उन्होंने कहा कि यह अब पहला गांव कहा जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे सीमांत क्षेत्र के अंतिम गांव को, अब जिसको प्रथम गांव भी बोलते हैं भारत का, उसको उन्होंने वाइब्रेंट विलेज के रूप में सम्मानित किया है। ये पूरे क्षेत्र का सम्मान है, मेरी पूरी लोकसभा की जनता का सम्मान है और बड़ा सौभाग्य है कि उसके लिए हमने लगातार बहुत सारे प्रधानमंत्री जी ने अल्मोड़ा की सभा में भी स्वयं बोला था कि हम ऐसे जो क्षेत्र हैं उनको वाइब्रेंट विलेज के रूप में करेंगे और जो कि हमारी वहाँ की क्षेत्र की समस्याएं उनका संपूर्ण समाधान हो, चाहे वो वहाँ की रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे वहाँ के संचार की कनेक्टिविटी हो, चाहे वहाँ के रोजगार के डेवलपमेंट हो, और जो हमारे सीमांत से लगे गाँव हैं वो वहाँ से पलायन ना हो। इस दिशा में लगभग बहुत बड़ा बजट, करीब 4200 करोड़ रुपये से ऊपर का बजट रखा गया है। अभी हमारा 260 करोड़ का ये ढूंगा तोली से तवाघाट की रोड का चौड़ीकरण का काम भी चल रहा है। ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की आज़ादी के 70 सालों के बाद हम अंतिम गांव और हमारा अंतिम लिपु लेक बॉर्डर तक के लिए हम रोड को बना पाए हैं, और ये मात्र 2014 के बाद जो हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे हमारी नेशनल हाईवेज हैं, NHI है, ये इन सभी के माध्यम से बहुत तीव्र गति के साथ ये काम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी के इस विजन को सफल करने में क्षेत्र की जनता उनका सहयोग कर रही है, और मेरा एक सौभाग्य है कि जहाँ चार धाम के लिए ऑल वेदर रोड मिला था, हमको टनकपुर चंपावत से होते हुए पिथौरागढ़ तक और पूरा हमारा नीचे जौलजीबी तक ऑल वेदर रोड का काम बहुत तेज गति के साथ सम्पन्न हो रहा है। ये हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य है और पहली बार भारत के अंदर इतिहास बना है कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी इस धारचूला अंतिम विधानसभा में मेरे और मनसुख भाई मांडलिया जी और स्वयं मैं, जो हमारा लिपू लेक दर्रा है वहाँ तक हमारा जाना हुआ किरण रिजिजू जी, और आज पीयूष गोयल जी का भी आना हो रहा है। तो ये देश की आज़ादी में पहली बार है कि भारत के
सर्वसंपन्न मंत्री जो इस क्षेत्र के विकास के लिए पूर्णतः किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, उन सभी का दौरा यहाँ पर हो रहा है। ये अपने आप में मेरे लिए सौभाग्य, जिससे हमारे इस अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ और हमारी जनता को लाभ मिलेगा। धारचूला के कोको कोला व्यापारी के द्वारा एक्सपायरी डेट की कोको कोला बांटी जाने का आरोप लगा। स्थानीय स्तर पर जौलजीबी के एक होटल में एक्सपायरी डेट की कोको कोला प्राप्ति हुई, जिस पर स्थानीय दुकानदार ने कहा कि ये कोको कोला हमें धारचूला के एजेंसी के द्वारा दी गई है। उन्होंने नाम न लेते हुए स्वीकार किया है कि कोको कोला की डेट 23 फरवरी में खत्म हो चुकी है, परंतु स्कीम के नाम पर उक्त व्यापारी कोको कोला की खेप को खपाने का प्रयास कर रहा है। प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। इस तरह एक्सपायरी डेट का सामान बेचकर व्यापारी पैसा मुनाफा कमाना चाह रहा है, परंतु स्थानीय स्तर पर लोगों की तबीयत या मृत्यु भी हो सकती है। ये आपके होटल में मिली है, ये क्या है इसमें? डेट कितनी है इसकी? एक्सपायर हो गया 26/2023 को। मैन्युफैक्चरिंग डेट है 27/8/2022। व्यापारी ने बताया कि उक्त व्यापारी धारचूला का कोको कोला का व्यवसायी है और कहीं न कहीं इस तरह से स्कीम के नाम पर ये कोको कोला धारचूला से लेके जौलजीबी तक बांटी जा रही है, जो कि एक्सपायरी डेट की कोको कोला है। इसको हमारे पास प्रमाण सहित है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब DCL न्यूज।